हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी के बारे में बात किया था, जो अभी राजस्थान में आई हुई है 1220 सीट पे। 11 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 1 अक्टूबर तक चलेंगे और एग्जाम ऑलमोस्ट नवंबर में होने वाला है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप सिलेक्शन ले पाए। आप किसी भी स्टेट से हो या फिर वैकेंसी किसी भी स्टेट के अंदर आई हुई हो, आप अगर ये तरीका फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। अभी राजस्थान, हरियाणा और एमपी तीनों स्टेट के अंदर वैकेंसी आई है। राजस्थान में नवंबर में एग्जाम होगा, एमपी में अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, वहां पे इंटरव्यू होगा। अगर फॉर्म कम होंगे तो इंटरव्यू होगा, ज्यादा अगर फॉर्म आएंगे तो वहां पे रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है। हरियाणा का एग्जाम डेट अभी कैंसिल हो चुका है, तो नया डेट कब होगा उसका अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये सभी एग्जाम पे लागू होने। एक बात आप दिमाग में बैठा कर रखें कि पेपर माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 75% स्कोर करना ही करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और क्या है कि ये एग्जाम, मेडिकल ऑफिसर एग्जाम, हर साल नहीं होता है, 2 साल 3 साल में एक बार होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, सीटें कम होती है, तो आपकी तैयारी दमदार होनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप सिलेक्शन ले पाए। मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में क्लिनिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो फाइनल ईयर के जो हमारे सब्जेक्ट है, मेडिसिन, ओबीजी, सर्जरी, पीडिया, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और प्री फाइनल में पीएसएम, इससे भी आप बहुत अच्छे से पढ़े। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इनके बारे में एग्जाम में आता है, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो आपका स्कोर नहीं बन पाएगा। तो जो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, और जहां से क्वेश्चन कम आते हैं उनको भी एक बार पढ़ना जरूरी है ताकि आपका स्कोर, एक अच्छा स्कोर आप बना सके। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रैपिड रिवीजन की तरफ जाइए। अगर आपके पास मैरो है तो आप मैरो से पढ़िए रैपिड रिवीजन, और अगर आपके पास प्रेप लेडर है तो आप प्रेप लेडर से रैपिड रिवीजन पढ़िए। रैपिड रिवीजन से आपको आगे नहीं जाना है, रैपिड रिवीजन का ही आपको 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम के अंदर कर सकते हैं और आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप रैपिड रिवीजन से पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में कितना टाइम लगने वाला है। गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। और ये वीडियो और साथ में अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में है, वो सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते। हम सबसे पहले फाइनल ईयर से स्टार्ट करेंगे। फाइनल ईयर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले हैं एग्जाम में। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरो का 5th एडिशन का रैपिड रिविजन है। सबसे पहला है ओबीजी। ओबीजी के अंदर 172 पेज है, तो मेरो का जो नोट्स है इसमें ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप डेली लगभग 40 टू 45 पेज आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 172 पेज है, तो आप इसे पूरा 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर 12 मॉड्यूल है, 12 मॉड्यूल में 1 से लेकर 6 तक गायनी है और फिर 7 से 12 तक ऑप्स है, ठीक है। तो ये आप इसे 172 पेज को 4 से 5 दिन में आप इसे इजीली खत्म कर सकते हैं। सेकंड है हमारा सर्जरी। सर्जरी 227 पेज है इसके अंदर, और इसमें भी आप 40 पेज के हिसाब से पढ़ेंगे पर डे, तो आप आपका ये 5 से 6 दिन में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें 8 मॉड्यूल है, जीआईटी के 2 है और यूरोलॉजी के 2 है, और उसके अलावा जनरल है, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब इसके अंदर है। आप इसे इजीली 5 टू 6 डे में कवर कर सकते हैं और ये काफ़ी स्कोरल सब्जेक्ट है। अब है मेडिसिन। मेडिसिन प्रेप लेडर का है, मारवा सर का, दीपक मारवा सर का। तो ये 100 पेज में है रैपिड रिवीजन प्रेप लेडर का, तो 100 पेज में, लेकिन प्रेप लेडर में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा पास में लिखा हुआ है, एक पेज में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। तो आप पर डे 30 पेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये 100 पेज के अंदर है मेडिसिन प्रेप लेडर का, ठीक है। इसके अंदर ही आपको इसी नोट्स के अंदर मैंने पीडीएफ भी यहीं पे ऐड किया हुआ था, तो आप देख रहे हैं पीडीएफ मेरो का है 5th एडिशन, ये 49 पेज में है, तो आपका ये इजीली 1 से 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी के अंदर मैंने साइकेट्री भी ऐड किया था, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितना पेज है। तो इसमें 33 पेज है साइकेट्री के अंदर,
और आप इसे एक दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा, इसी के अंदर मैंने ऐड किया था डर्मा, तो आप देख रहे हैं डर्मा, डर्मा के अंदर, डर्मा भी मेरो का है फिफ्थ एडिशन, तो ये 60 पेज है इसके अंदर और ये आप इसे इजीली 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक 150 पेज का है, मेरो का है, फिफ्थ एडिशन है, तो इसमें क्या है डायग्राम बहुत ज़्यादा है तो आप इसे इजीली 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी काफ़ी स्कोरल सब्जेक्ट है। तो ये हमारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट थे तीनों, ये जो 1, 2, 3 और 4 जो मॉड्यूल है ये सब फाइनल ईयर के सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर के अंदर है ऑप्थेल, सबसे पहले ऑप्थेल है, ऑप्थेल ये प्रेप लेटर का है, प्रेप लेटर में रैपिड रिविजन 57 पेज के अंदर है पूरा ये, तो आप इसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं 30 पेज के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आपका इसी में मैंने ऐड किया हुआ है पीएसएम भी प्रेप लेटर का है, तो ये 76 पेज के अंदर है, आप इसे इजीली 3 दिन में पूरा कर पाएंगे। पीएसएम काफ़ी स्कोरल सब्जेक्ट है मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के हिसाब से, तो आपको इस सब्जेक्ट को पीएसएम को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद है इसी के अंदर मैंने ईएनटी ऐड किया था, फाइनल थर्ड ईयर को एक साथ किया था पूरे को, तो आप देख रहे हैं ईएनटी भी प्रेप लेटर का है, 70 पेज है इसके अंदर, तो आप इसे 2 से 2.5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक जो पूरा मॉड्यूल है ये पूरा प्री फाइनल का है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी और फार्मा के बारे में। पैथोलॉजी आप देख रहे हैं, ये पैथोलॉजी ये मेरो का है, रैपिड रिवीजन फिफ्थ एडिशन, ये 196 पेज के अंदर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हिमेट पूरा पढ़ना है अच्छे से, और साथ में जनरल आपको पढ़ लेना है। तो अगर आप हिमेट पढ़ेंगे, जनरल अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसे इजीली 3 दिन में पूरा कर लेंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में हिमेट से और जनरल से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप सिस्टम भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिस्टम में जो स्पेसिफिक है आप उनको पढ़ें, बस जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आप उनको पढ़ेंगे तो आपका पैथो में काम चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन, अभी हम सेकंड ईयर को देख रहे हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर है ये फॉरेंसिक मेडिसिन मेरो का है, और मेरो का फॉरेंसिक मेडिसिन 76 पेज के अंदर है, आप इसे 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इसी के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है फार्मा 60 पेज के अंदर है, और ये प्रेप लेटर का है गोविंद राय सर का, तो आप इसे इजीली 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 पेज पढ़ेंगे, लेकिन इसमें रटने का काफ़ी है मेडिसिन, तो आप इसे 3 दिन दें, क्योंकि ये एक स्कोरल सब्जेक्ट है, काफ़ी आपका स्कोर बनाएगा ये, तो आप इसे 3 दिन टाइम दें। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजियो और बायोकेम की। बात करेंगे फिजियो ये मेरो का है, 119 पेज है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है, इजी है, तो आप इसे 2 दिन में आपको पूरा करना ही है इसे किसी भी हालत में। और फिर इसके बाद आएगा बायोकेमिस्ट्री भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, 120 पेज में है और इजी है, तो आप इसे 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियो और एनेस्थीसिया, इनके अंदर क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि रेडियो के अंदर कोई आपसे यहाँ एक्सरे पूछने वाला नहीं है, अगर पूछेगा तो सिंपल वो क्वेश्चन में दे देगा, जैसे बूट सेफ हर्ट किसके अंदर मिलता है, स्पेसिफिक फीचर लिख के वो पूछेगा, तो वो चीज़ आपका मेडिसिन से कवर हो जाएगा, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम ना दें, आप एनेस्थीसिया और रेडियो को 2 दिन दें, दोनों को मिला के 2 दिन अगर आप देना चाहते हैं तो। अब है एनाटॉमी का काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं ये रैपिड रिविजन है, लेकिन फिर भी ये लेंथी है, तो आप इसे लेकिन 2 दिन दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको एक अच्छा स्कोर बनाना जरूरी है, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते, तो टाइम है तो आप इसे 2 दिन दें, आप इसे पढ़ें और जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो पढ़ लें, जैसे फेरेंजियल आर्च है, स्कल का एनाटॉमी है, जो फोरामेन है, उन सबको आप अच्छे से पढ़ लें, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब है माइक्रोबायोलॉजी का नोट्स मेरे पास नहीं है, पढ़ना जरूरी है, आप उसका जो जनरल है उसको जरूर पढ़ें,
राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में सैनिटाइजर के बारे में आया था, कंपोजिशन क्या है सैनिटाइजर का, वो सब पूछा था। 2-3 दिन दे उसको अगर आपके पास टाइम है तो। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि आपको फर्स्ट रीडिंग में कितना टाइम लगने वाला है। तो ओबीजी में 4 से 5 दिन, सर्जरी में 5 से 6 दिन, मेडिसिन में 4 दिन, पीडिया 1.5 दिन, साइकेट्री 1 दिन, डर्मा 1.5 दिन, पीएसएम 3 दिन, ऑप्थेल 2 दिन, ईएनटी 2 दिन, फार्मा 3 दिन, पेथो 3 दिन, माइक्रो 2 दिन, एफएम 2 दिन, फिजियो 2.5 दिन, बायोकेम 2.5 दिन, रेडियो एनेस्थीसिया 2 दिन, एनाटॉमी 2 दिन और ऑर्थो 2.5 दिन। टोटल 47 डेज लगेंगे आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको मान के चलना है कि आपका, अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में, तो आप 80+ नंबर लेके आए, 80+ आप नंबर लेके आए। अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ है बिल्कुल, आपको सोचने का जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस टाइम में 47 डेज में आपको इन टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो भी देखना है, जो रैपिड रिविजन की वीडियोज है। अगर आप मैरो से पढ़ेंगे तो मैरो में रैपिड रिविजन की वीडियो है, प्रेप से पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी रैपिड रिवीजन की वीडियो है, आप उनको देखें। साथ में ये आपको नोट्स भी पढ़ना है, ये पूरा आप 47 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ये होगा आपका फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। सेकंड जो आपकी रीडिंग होगी वो उसमें आपको लगेगा, इसका हाफ टाइम कर दें आप, यहाँ पे आपको 47 है तो ऑलमोस्ट आपको 20 से 22 डेज में आपको सेकेंड रिविजन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आप करेंगे थर्ड रिविजन, थर्ड रिविजन आप सेकेंड टाइम के सेकेंड वाले टाइम को आधा कर दें, तो आपको लगभग 10 से 12 दिन में आपको थर्ड रिवीजन खत्म करना है। अगर आप थर्ड रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में।